अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना प्याज रख दिए हैं तीन बड़े बड़े से काट के, ना बिरयानी बना रहे हैं हम, चिकन बिरयानी। तो मैंने कहा ये प्याज ना मैं ना गलने के लिए रख दूँ, ये मैंने तेल भी डाल दिया। बकाया काम फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये प्याज करने लगे ना टाइम लग जाता है। हाँ जी, ये मैंने ना लहसुन अदरक डाल दिया, अब थोड़ी देर के लिए प्याज़ों को रख दूँगी मैं गलने के लिए। और मैं ना इसमें ना टमाटर भी डालती हूँ, अभी इसे भूनते हैं। अभी ये भुने गए अच्छी तरह, अब मैंने उसमें पानी डाल के ना थोड़ी देर के लिए प्याजों को गलने के लिए रख दिया। हाँ जी, ये एक किलो मुर्गी बिरयानी में डालने के लिए, आधा किलो मैंने आलू ले लिए, काट लिए अपनी मर्ज़ी से, आप जैसे मर्ज़ी काट लें, ठीक है। अच्छा जी, ये इमली ले ली मैंने आधा पाव, ये मसाला है बिरयानी मसाला है, एक चम्मच नमक का, ज़ीरा ज़ीरा पीसी हुई मिर्च, दादरी मिर्च, हल्दी, ये मसाले डालेंगे। आ जाए आप उधर। हाँ जी, ये मैं ना गोल डाल रही हूँ मुर्गी का, तो साथ ही ना मैं आलू भी डाल दूँगी। बच्चे शौक से खाते हैं बिरयानी, तो आलू भी मैंने डाले हैं इसमें, आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में। आप हमारी ना वीडियो पूरी देखा करें, तो लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, और आपको ज़रूर पसंद आती है, आप तो हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। आप हमारी वीडियो देखा करें, मैं आसान तरीके से खाना सिखाती हूँ सबको, कि बच्चियों को भी आ जाए सबको, क्योंकि कई लोग हमारे भाई हैं जो बाहर से कहते हैं कि हमें पकाना नहीं आता, आसान तरीके से आप बताएं, कि मैं ना आसान तरीके से उन्हें बताती हूँ कि आराम से वो मतलब पका लें, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता, क्योंकि वो मसरूफ़ होते हैं काम में अपने। अब मैं आलू भी डाल दूँगी दो मिनट बाद इसके, फिर सारे मसाले डाल के ना फिर चावल उबाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने आलू भी डाल दिए, साथ ही आलू भी हो जाएंगे। ये मैंने आलू भी डाल दिए, अब मैं ना ये मसाले भी डाल देती हूँ साथ ही। ये देखिए, क्योंकि बिरयानी ज़रा करारी होती है ना, इसलिए मैंने मसाला ज़रा तेज़ रखा है इसमें, तो ये मिक्स कर देती हूँ, थोड़ी देर आप पकेगी, आलू भी हो जाएंगे, वो उसमें जो कसर है वो भी हो जाएगी, आलू भी हो जाएंगे। फिर ना इमली नहीं मैंने अभी डाली, क्योंकि अगर इमली डाल देती ना तो फिर ये आलू गलने नहीं थे, इसलिए मैंने इमली नहीं अभी डाली। इमली ना 5 मिनट तक डालूँगी, थोड़े से आलू हो जाए ना फिर मैं डालती हूँ इमली। हाँ जी, ये देखिए आलू हो गए हैं, अब मैं ना इसमें ना इमली भी डाल देती हूँ। अब ये ना मसाला बिल्कुल तैयार हो गया बिरयानी का, तो आलू भी गल गए हैं, ये देखिए आलू भी गल गए हैं, गोश्त भी गल गया। अब ना चावल उबाल के ना फिर इसमें डाल के ना टैन जमा के ना फिर आपको दिखाते हैं। ये वह हमने ना चावल उबाल लिए, मैंने ना आधे चावल डाल दिए इसमें, तो अब मैं ना ये डाल दूँ मसाले। आज हम पका रहे हैं बंदे कपड़े हैं, आप बनाना बहुत मज़े की बनेगी। और साथ ये मैंने आलू भी डाले हैं इसमें।
जो ये चावल पकाया ना वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कनी कनी है चावल, केला केला डाला, ये देखें ये सारे मैं डाल देती हूँ इसमें। ये देखें हमने तेल लगा दी ना, अब मैं इसके ऊपर ना रंग डालती हूँ जर्दे का, फिर दम पे ना रखती हूँ। ये देखें जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, उसको डिश आउट कर लिया आपके सामने, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं, बहुत मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो तैयार हो गई है। ये देखें अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप ये वीडियो देखें और ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी बनी है बिरयानी, आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपने बनाई कैसी बनी। इसमें मैंने आलू भी डाले हैं और मुर्गी भी है इसमें, और बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, अब हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, अगली वीडियो के साथ आएंगे।